हेलो स्टूडेंट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट वन में हमें दे रखे हैं पी वेव, बी क्यू वेव, सी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड डी टी वेव। लिस्ट सेकंड देखते हैं। ऑप्शन वन, बिगनिंग ऑफ सिस्टॉल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया एंड डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो इस क्वेश्चन में हमें जो है ये वेव्स दे रखी हैं। ये जो वेव्स हैं यह वेव कहलाती हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे हम ईसीजी और ईकेजी बोलते हैं। यह एक क्विक टेस्ट होता है, एक क्विक टेस्ट है टू चेक द हार्ट बीट, टू चेक द हार्ट बीट। यह सिग्नल्स को, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इन दी हार्ट। हार्ट के जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं उनको जो है रिकॉर्ड करने का फंक्शन करता है, या रिकॉर्ड करने का जो कार्य करता है। ईसीजी में या ईसीजी या हम ईकेजी इसे बोल सकते हैं, इनमें वेव्स होती हैं। फर्स्ट वेव होती है पी वेव, पी वेव। सेकंड इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, थर्ड इज टी वेव, फोर्थ इज क्यू वेव। ये सारी जो हैं वेव्स होती हैं। इसका हम ग्राफ से समझते हैं जो ईसीजी क्या होता है। यहाँ हम ईसीजी का एक ग्राफ बनाते हैं। यह एक ईसीजी का ग्राफ है। यह होती है हमारी पी वेव, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड दी टी वेव। यह होती है ईसीजी, या जिसे ईकेजी हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें क्या होता है, जो पी वेव होती है, पी वेव की बात करते हैं। पी वेव करती है, पी वेव की हम बात करते हैं, पी वेव करेगी डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया और जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वह करेगा वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड टी वेव होती है, टी वेव की बात करते हैं, वह रीपोलराइजेशन का कार्य करती है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। एंड क्यू वेव जो करेगी बिगनिंग ऑफ सिस्टॉल। ये हमारी
जो वेव्स हैं ये सब फंक्शंस करती है। रीपोलराइजेशंस का मींस होता है, जो टी वेव है, टी वेव क्या करती है, रीपोलराइजेशन करती है। रीपोलराइजेशन का मतलब होता है रेस्टिंग कंडीशन। और डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्फ्लेक्शन, वेंट्रिकल्स में या आर्ट्रिया में कॉन्फ्लेक्शंस होना। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्फ्लेक्शन एंड रीपोलराइजेशन का मीन्स होता है रेस्टिंग कंडीशंस। तो बात करते हैं हम यहाँ पे ऑप्शंस की। ऑप्शन दे रखा है पी वेव। पी वेव क्या करती है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया मीन्स ए का थर्ड, बी का क्यू वेव बिगनिंग ऑफ सिस्टॉल, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड द टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए हमारा यहाँ गलत है, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाता है। आई होप अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।